दोस्तों, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी एक ऐसी नौकरी है जो कि बहुत ही जिम्मेदारी वाली नौकरी है, और इस वीडियो में आप जानोगे कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी आपको कैसे मिलेगी और कितनी सैलरी रहती है। उससे पहले आपको कुछ जानकारियां बता देना भी बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देने वाली कई कंपनियां हैं जो कि आपको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देती हैं, और जब आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तब आपको कंपनी को अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट, अपना आधार कार्ड वेरीफाई कराना होता है, और आपकी एज और आपका वेट, आपका सीना, सभी वो चेक करने के बाद आपको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देते हैं। इसके बाद कंपनी की तरफ से ड्रेस प्रोवाइड कराई जाती है, जिसका कुछ चार्ज होता है वो आपसे लिया जाता है। सर, मैं सुरक्षा कर्मी पंकज कुमार राउत, बैच नंबर 223, रोल नंबर 27, ड्रिल टेस्ट के लिए हाजिर हूं श्रीमान। फिर यह कंपनियां अपने आसपास की फैक्ट्री, शॉपिंग मॉल, एटीएम, रेजिडेंस एरिया, यहां पर आपको भेजते हैं, यहां पर आपको ड्यूटी देनी होती है, और साथ ही साथ आपको ट्रेनिंग कराई जाती है जो कि 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, जैसे कि जिसमें आपसे परेड कराई जाती है, सैल्यूट कैसे करना है उसकी पूरी जानकारी आपको दी जाती है। और पूरी प्रक्रिया आपको समझाई जाती है। दोस्तों, साथ ही साथ कंपनी के द्वारा वाहन की एंट्री कैसे करनी है और ड्राइवर से कैसे आपको बातचीत करनी है, कैसे वाहन का वेट कराना है, ये सारी बातें आपको बताई जाती हैं। गाड़ी में चेक करने वाली बात देखिए, ध्यान दो, गाड़ी के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 भाग जो होता है वो आगे का होता है, इसको बोनट भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम बोनट भाग बोलते हैं। बोनट भाग में हम ध्यान देंगे, सबसे पहले चालान और गाड़ी का नंबर मिलाएंगे, 203, 204, गाड़ी ठीक है कि नहीं, बराबर है। दोस्तों, अगर आपको आग बुझाना नहीं आता है तब आपको फायर सेफ्टी के बारे में भी बताया जाता है और पूरी प्रक्रिया समझाई जाती है, कैसे आग बुझाना है, ये सारी बातें बताई जाती हैं। दोस्तों, अगर आपकी ड्यूटी एटीएम पर होती है तब वहाँ पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होती है, और वहाँ पर किस प्रकार से लोगों को हैंडल करना है ये भी आपको पूरी जानकारी दी जाती है। ट्रांजेक्शन हो गया सर, कोई दिक्कत तो नहीं आई सर? आपने अपना कार्ड ले लिया सर? ओके, हैव अ नाइस डे सर, थैंक यू। इसके बाद अगर आपकी नाइट शिफ्ट है तो आपको यह बताया जाता है कि नाइट में कैसे गश्त करना है अपने एरिया में, और साथ ही साथ अपनी भी सेफ्टी कैसे रखनी है ये भी पूरी तरीके से बताया जाता है। सेकंड गश्त में ध्यान रखो, गश्त में देखने वाली बात है टाइमिंग, कोई सेफ्टी रहता है, ऐसा नहीं कि आप 9 बजे जाओगे या रात को 1 बजे जाओगे, क्योंकि वो टाइम जाओगे तो क्या होगा, चोरों को मालूम पड़ जाएगा कि आपका जो टाइमिंग है 1 बजे का है, मेरा भी सर 1 बजे आते, बाद में आते नहीं, कोई टाइमिंग का कुछ नहीं। एक बार हम गए फिर डबल चलेगा, तो गश्त के अंदर हमें ध्यान रखना है कि गश्त का कोई टाइमिंग नहीं रहता है। दोस्तों, अगर हम सैलरी की बात करें तो दोस्तों सैलरी जो रहती है वो 12,000 से लेकर 20,000 तक रहती है। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, अगर आप गनमैन हैं तो आपकी जो सैलरी है वो ज्यादा भी आपको मिल सकती है। अगर हम बात करें टाइमिंग की तो टाइमिंग दोस्तों इसमें 12 घंटे की नौकरी होती है और आपको 12 घंटे देना ही पड़ता है। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए बहुत बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो कि जॉब प्रोवाइड कराती हैं सिक्योरिटी गार्ड की, तो आपको उन्हें रिज्यूम भेजना है, उनसे बात करनी है, और मैं आपको नंबर प्रोवाइड भी कराऊंगा बहुत सारी जगहों के, जिन पर आप कॉल करके आसानी से पता कर सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी अभी मिल रही है या नहीं मिल रही है। दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी के मोबाइल नंबर पता करने के लिए आपको सबसे पहले अपना मोबाइल का ब्राउजर ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी इन नोएडा
जैसे अगर मैं नोएडा में सर्च करना चाहता हूँ तो नोएडा लिखना पड़ेगा, आगरा में सर्च करना चाहता हूँ तो आगरा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, इस प्रकार से आप अपने हिसाब से यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर नोएडा सर्च करता हूँ तो मैं यहाँ पर नोएडा लिख देता हूँ और यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की यहाँ पर बहुत सारी डिटेल यहाँ पर आ गई है। ठीक है, आप मोर पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दीप्ति सिक्योरिटी सर्विसेज, ठीक है, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और यहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि इनका ऑफिस कहाँ पर है, इनका फ़ोन नंबर ये है, आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर ये देखिए माँ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, तो इसका एड्रेस ये है और इनका ये फ़ोन नंबर है, तो इन पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं और इसी प्रकार से आप अपने ज़रूरत के हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, एंगल सिक्योरिटी सर्विसेज, तो यहाँ पर ये इनका डिटेल है और इन्होंने नंबर नहीं दिया है, कोई बात नहीं। CPS सिक्योरिटी सर्विसेज, इनका देखिए ये एड्रेस है और ये मोबाइल नंबर है, तो आप फ़ोन कर पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे किसी को भी पैसे नहीं देने हैं जॉब लगने से पहले। ठीक है, तो सर्च करने का तरीका बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप ये इस प्रकार से आप टाइप करके सर्च कर सकते हैं और मोबाइल नंबर निकाल कर आप कॉल करके पूछ सकते हैं और जब आप पूछेंगे कहीं वैकेंसी है, अगर आपको मिल जाती है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।